आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी खुशियों की परवाह न करते हुए अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। चाहे उनकी कुछ भी फरमाइश हो, माता पिता पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने माता पिता दादा दादी की शौक का ख्याल आजकल रखने में लोग असमर्थ नजर आ रहे हैं। लेकिन डोंबिवली पूर्व महेश पाटिल की वेलनेस फॉरएवर नामक संस्था ने एक अनूठा पहल किया है, जिसमें उन्होंने बुजुर्ग लोगों का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाना शुरू किया है। संस्था के अध्यक्ष के मुताबिक 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग लोगों का महीने में 4 बार जन्मदिन मनाते हैं। 1 से 7 तारीख के बीच जिसका जन्मदिन रहता है, उन लोगों को शनिवार रविवार की शाम संस्था के माध्यम से परिसर के सभी बुजुर्ग लोगों को बुलाकर एक साथ मिलकर केक कटवाकर सामूहिक जन्मदिन मनाया जाता है। इसी तरह से महीने में 4 बार अलग अलग लोगों से केक काटकर जन्मदिन मनाते हैं। साथ ही उनको तोहफे में पहनने के लिए कपड़े और एक पौधा भी दिया जाता है और उन्हें पौधा लगाने को कहते हुए पर्यावरण बचाने का संदेश देते हैं। प्रतिष्ठान की तरफ से पिछले 5 सालों से यहाँ आरोग्य शिविर ज्येष्ठ नागरिक के लिए सब सुविधाएं हम देने का काम करते हैं। पिछले 5 साल से सामाजिक दृष्टिकोण सामने रख के हम लोग ये काम करते हैं और इसमें हम लोग जिसका आई का ऑपरेशन रहेगा, आँखों का ऑपरेशन या हेल्थ का कुछ बीमारी रहेगा, ब्लड प्रेशर का कुछ बीमारी रहेगा, अपने घर में वो लोग देखते हैं, उनके बच्चे या कोई लड़का देखता है, पर हम लोग पिछले 5 साल से उनका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि अपने बड़े लोगों का आशीर्वाद हमारे पीछे सदा रहे। इसलिए हम लोग महेश पाटिल प्रतिष्ठान की तरफ से ये लोग कार्यक्रम करते हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है, पर हर घर में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए, सामाजिक कोई संदेश जाना चाहिए, आरोग्य का संदेश जाना चाहिए, उनके पीछे कोई तो खड़ा है ऐसे उनको लगना चाहिए।